हेलो फ्रेंड्स, हमें बैंक में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं करें। इसके पीछे का कारण यह होता है कि अगर हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट से एक सर्टेन लिमिट से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें इनकम टैक्स से नोटिस मिलने के चांसेस होते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि हमें अपने सेविंग अकाउंट से किस तरह के कैश ट्रांजेक्शन करने चाहिए जिससे कि हमें इनकम टैक्स नोटिस ना मिले। तो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कैश ट्रांजेक्शन रिलेटेड ट्रांजेक्शन के बारे में, ताकि हमें इनकम टैक्स से कोई नोटिस ना मिले। तो चलिए शुरू करें। सवाल जो हमें अक्सर पूछा जाता है कि हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करें या विड्रॉल करें कि हमें इनकम टैक्स से कोई नोटिस नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हैं तो इसकी सूचना बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब यह कैश डिपॉजिट हम एक बार में कर सकते हैं या पार्ट पार्ट में करके कई बार कर सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा जो कैश ट्रांजेक्शन है अपने सेविंग बैंक अकाउंट से, वह एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख और उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इंफॉर्मेशन का क्या करता है। अब आईटी डिपार्टमेंट क्या करेगा कि आपके जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है और आपके द्वारा जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट है वो उसको वो कंपेयर करेगा। अगर दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आ सकता है और वह आपके इस कैश डिपॉजिट फंड का सोर्स पूछ सकते हैं। अगर यह आपका जेन्यून सोर्स है, अगर आपने किसी से पैसा लिया है और वो पैसा आपको किसी तरीके से मिला है तो वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। और जहाँ तक कैश विड्रॉवल की बात आती है, इनकम टैक्स में इस तरह का कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया गया है कि हम सेविंग बैंक अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश विड्रॉ। दूसरा सवाल जो हमसे अक्सर पूछे जाते हैं वह यह है कि हम कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगेन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि हम अपना कितना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार जितने भी चाहे सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट अगेन शर्त यह है कि आपके सभी अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सपोज़ अगर आप सभी अकाउंट को मिलाकर कैश डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर करते हैं तो इसकी भी जानकारी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। एक और सवाल जो हमसे अक्सर पूछे जाते हैं वह यह है कि हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा जमा रख सकते हैं, मीन्स उसमें हम कितना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो अगेन, इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई गाइडलाइन नहीं है कि हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा मैक्सिमम रख सकते हैं। यह टोटली हमारे इनकम पे डिपेंड करता है। सपोज़ हमारा इनकम सालाना 5 लाख रुपया है और हम प्रत्येक साल अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपया जमा करते हैं और अगर हमारे जो सेविंग अकाउंट है वह 10 साल से है तो हम अगर उस सेविंग अकाउंट में 30 लाख रुपया भी रखते हैं तो हमसे कोई सवाल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो for the benefits of others. Thank you.